जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे जो सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, और इसमें पिछली प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज उसी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन को मैंने आपके सामने लिखा है और मैं इसको सॉल्व करूँगा। और क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एम एक्स इफ एक्स इज लेस देन 3। मैंने आपको इसके बारे में पिछली वीडियो में बताया था कि अगर किसी फंक्शन की डेफिनेशन टुकड़ों में दे दी जाए, यानी किसी नंबर से लेस के लिए अलग हो, लेस और इक्वल के लिए अलग हो, ग्रेटर देन के लिए अलग हो, तो यानी कि पीसीज में टुकड़ों में दी हुई हो, तो उस फंक्शन को कहते होते हैं पीस वाइज फंक्शन। तो दिस फंक्शन इज पीस वाइज। उसके बाद हमें एन दे दिया है और एंड पे -2x+9 दे दिया है। ऊपर कंडीशन x=3 और इसमें x<3>। कहता है एफ इज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूड है एस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x=3, फाइंड एम एंड एन। यानी प्यारे बच्चों, पीछे तो हम सिर्फ ये काम करते थे कि चेक करते थे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। उससे पीछे वाले सवालों में हमने चेक किया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, लेकिन आज उसने ये नहीं कहा कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, चेक करें। आज उसने ये कहा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसने खुद हमें बता दी है। कहता है इस कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ से स्मॉल एम और स्मॉल एन की वैल्यू निकालें, और ये जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x=3 है। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से यहाँ पे हम फायदा उठाएंगे कि एज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x=3। जी प्यारे बच्चों, अगर कोई फंक्शन किसी नंबर 3 पे कॉन्टिन्यूस हो, तो इसका मतलब उस 3 पे फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू और लिमिटिंग यानी कि लिमिट 3+ यानी कि राइट हैंड लिमिट एट 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट एट 3, ये तीनों का आंसर एक जैसा होना चाहिए। यानी कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लेफ्ट लिमिट, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की राइट लिमिट और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू सेम होगी, तो हम कह सकेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस। तो जी प्यारे बच्चों, यहां से हमने एफ ऑफ 3 निकालना है, तो इस फंक्शन के अंदर हम वो डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे जिसमें एक्स 3 के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों, ये सेकंड नंबर पे आपको डेफिनेशन नजर आ रही है जहां पे x=3 है, तो इसमें जहां पे एक्स होगा वहां पे हम 3 पुट कर देंगे। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं यहां पे एक्स नहीं है, यहां पे एन है, तो एन एज इट इज वैसे का वैसा आ जाए। इसी तरह से जब लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 3+ की हम बात करेंगे, तो हमने यहां से वो डेफिनेशन लेनी है जिसमें एक्स 3+ यानी कि 3 से बड़ा है। तो वो ये डेफिनेशन आपको नजर आ रही है, दैट इज -2x+9। इसी तरह से जब हम बात करेंगे लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, यानी जब एक्स 3 से छोटा है, तो यहां से हमने वो डेफिनेशन देखनी है जिसमें एक्स लेस देन 3 है। जी प्यारे बच्चों, वो यहां पे नजर आ रही है हमें, दैट इज एम एक्स। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमने सॉल्व आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, उसकी बाय द हेल्प ऑफ इट्स डेफिनेशन हम इस स्टेटमेंट तक पहुंच चुके हैं। अब इस स्टेटमेंट को बुनियाद बनाते हुए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे कि एन इज इक्वल टू, जी प्यारे बच्चों, लिमिट के असूल हम जानते हैं कि यहाँ पे चूंकि ये फैक्टराइज यहाँ पे रैशनल फंक्शन नहीं है, डिवाइड होने वाला फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम आराम से पुट्स कर सकते हैं अपनी लिमिट, दैट इज +3+9। इसी तरह से यहाँ पे हम पुट करेंगे m इंटू 3। सो n इक्वल टू -6+9 विच इज इक्वल टू 3m। सो n इज इक्वल टू 9 में से 6 गया 3, n विच इज इक्वल टू 3m। तो चूंकि ये तीनों नंबर आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 3। इसी तरह से हम 3m को भी 3 के इक्वल रख लेंगे, तो 3m इज इक्वल टू 3। यहां से 3 को इधर लाके 3 पे कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास m का वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हम m की वैल्यू हमारे पास 1 और n की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल दिए हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन मौजूद है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+5 अंडर रूट -x+7 अंडर रूट आवर x-2 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 और नीचे के इफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो कहता है एफ ऑफ एक्स यहाँ पे भी उसने कह दिया कॉन्टिन्यूस है, आप फाइंड करें के को।
अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बात बड़ी तवज्जो तलब है कि पीछे भी उसने इसी तरह का क्वेश्चन दिया था, लेकिन वो पीस वाइज डेफिनेशन के अंदर अगर वो थ्री की बात करता है या टू की बात करता है तो टू से अलग के लिए और डेफिनेशन है, लेस और इक्वल के लिए या लेस देन केले के लिए, इक्वल के लिए भी है, ग्रेटर देन के लिए भी है, यानी अलग अलग उसने डेफिनेशन दी होती है। लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ एक्स नॉट इक्वल टू टू लिख दिया। एक्स नॉट इक्वल टू से मुराद जब आप लेफ्ट लिमिट लेंगे, लेट लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव, यानी दो से छोटी वैल्यू लेंगे तब भी आप ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, क्योंकि जब लिमिट आप लेफ्ट लिमिट ले रहे हैं एक्स अप्रोचेस टू टू नेगेटिव ले रहे हैं तो इसका मतलब एक्स टू के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है बल्कि टू के बहुत क्लोज है, सफिशिएंटली क्लोज टू टू फ्रॉम लेफ्ट साइड। इसी तरह से जब आप राइट लिमिट की बात करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू टू पे, वो भी वेरी क्लोज है टू के फ्रॉम राइट साइड, लेकिन ऑब्वियसली वो टू के बराबर नहीं होगी। तो इसका मतलब लेफ्ट या राइट लिमिट हम ले लें या जनरल लिमिट हम दोनों की ले लें तो हमारे पास ये वाली डेफिनेशन हम इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से अगर हम x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं वो तो हमारे सामने मौजूद ही है कि x इज इक्वल टू 2 पे हम यूज करेंगे दैट इज k। तो यहां पे हम कंडीशन लगाते हैं बाय गिवन कंडीशंस, जो हमें गिवन कंडीशंस हैं जो हमें दी गई हैं उसके मुताबिक f ऑफ 2 इक्वल होगा लिमिट, यहां पे मैं जनरल लिमिट लिखूंगा प्लस या नेगेटिव लिमिट नहीं लिखूंगा, नेगेटिव यानी कि राइट या लाइट लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने बताया दोनों के लिए हमारे पास एक ही डेफिनेशन मौजूद है। तो यहाँ पे जनरल लिमिट लेंगे, लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू टू इनटू एफ ऑफ एक्स। जी प्यारे बच्चों अब यहाँ पे आप एफ ऑफ टू की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी जब एक्स इज इक्वल टू टू है तो हमारे पास आंसर के इक्वल है, चूंकि एक्स नहीं है तो एक्स की जगह वैल्यू पुट नहीं हो सकती, के वैसे का वैसे ही आ जाए। और राइट साइड पे लिमिट When x approaches to 2, जब x 2 को अप्रोच कर रहा है ख्वा लेफ्ट हो या राइट लिमिट हो, यानी जनरल लिमिट ले रहे हैं 2 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास ऊपर वाली डेफिनेशन मौजूद है दैट इज 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 आवर x माइनस 2। जी प्यारे बच्चों अब आप लोग जानते हैं ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि रैशनल फंक्शन है, जो फंक्शन है जो कि डिवाइड होने वाला फंक्शन है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो अगर हम गौर करें हमारे हमने ये रूल तय किया हुआ है कि अगर हमारे पास फंक्शन एक डिवाइड की शक्ल में आ रहा हो, रैशनल आ रहा हो, तो हम देखते होते हैं क्या डिनोमिनेटर में जीरो तो नहीं बनता, अगर बनता तो फिर हम उसको किसी और तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट मौजूद है तो हम इसको रैशनलाइज के तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि अंडर रूट वाले क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 2 पुट करें तो दैट इज 2 माइनस 2, यस डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ पे हम लिमिट पुट नहीं कर सकते, जिस तरह से पिछले सवाल में की थी वैसे नहीं कर सकते, इसको हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा और इसकी वजह से जिसकी वजह से नीचे 0 बन रहा है इसको हमको कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज करेंगे दैट इज लिमिट, प्यारे बच्चों x अप्रोचेस टू 2, 2x प्लस 5 अंडर रूट माइनस x प्लस 7 अंडर रूट और 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस x प्लस 7 अंडर रूट नीचे x माइनस 2 और इसी तरह से यहाँ पे 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस x प्लस 7 अंडर रूट, यानी ऊपर वाले का साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब आप लोग जानते हैं ऊपर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट होगा दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस x प्लस 7 अंडर रूट का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस x प्लस 7 अंडर रूट which is equal to, so left side पे जो कि हमारा k चाह रहा है that is equal to limit when x approaches to 2, square का under root से cancel करेंगे that is 2x plus 5 minus अंदर apply करेंगे, अगले step में अभी हम करेंगे that is our x minus 2 into 2x plus 5 under root plus x प्लस 7। जी प्यारे बच्चों तो यहां तक हम पहुंच चुके दैट इज इक्वल टू लिमिट
एक्स अप्रोच टू टू, टू एक्स प्लस फाइव माइनस अप्लाई करेंगे एक्स माइनस का, सेवन माइनस का अवर एक्स माइनस टू अंडर रूट एक्स सॉरी एक्स माइनस टू इंटू टू एक्स प्लस फाइव अंडर रूट प्लस एक्स प्लस सेवन अंडर रूट। जी प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इक्वल होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, यहाँ से 2x में से एक एक्स माइनस करेंगे तो x और 5 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस टू, साइन बड़े वाले का माइनस अवर x माइनस टू एक्स माइनस टू इंटू टू एक्स प्लस फाइव आपका प्लस एक्स प्लस सेवन, यहाँ पे x माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा। जी अब जिस फैक्टर की वजह से हम नीचे जीरो बन रहा था वो हमारे पास कैंसिल आउट हो चुका है, तो पीछे हमारे पास जो बचेगा x अप्रोचेस टू टू वन आवर टू एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स प्लस सेवन। जी प्यारे बच्चों, अब जिसकी वजह से हमारा जीरो बन रहा था हम उसको कैंसिल आउट कर चुके हैं, अब हम अपने असल सवाल में लिमिट पुट करेंगे या कर सकते हैं, तो एक्स की जगह टू लगाएंगे, टू इंटू टू प्लस फाइव अंडर रूट प्लस टू प्लस सेवन का अंडर रूट दैट इज इक्वल टू फोर प्लस फाइव अंडर रूट प्लस नाइन अंडर रूट एंड दैट इज इक्वल टू नाइन अंडर रूट प्लस नाइन अंडर रूट दैट इज इक्वल टू वन आवर टू इंटू नाइन अंडर रूट एंड दैट इज इक्वल टू वन आवर टू इंटू अंडर रूट नाइन, थ्री की इक्वल होता है तो दैट इज इक्वल टू वन आवर सिक्स, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी दैट इज वन आवर सिक्स। इस तरह से हम यहाँ से अपनी के की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर था, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, इससे रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।